8085 के इस वीडियो में हम मशीन साइकिल्स और टाइमिंग डायग्राम्स के बारे में देखेंगे। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन में हम मशीन साइकिल्स और मशीन साइकिल्स के टाइमिंग डायग्राम्स देखेंगे और पार्ट टू में हम सीखेंगे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के टाइमिंग डायग्राम किस तरह बनाए जाते हैं। हम शुरू करते हैं मशीन साइकिल से। मशीन साइकिल माइक्रोप्रोसेसर ने लिया हुआ वो टाइम है जिसमें वो कोई सिंगल ऑपरेशन, कोई सिंगल टास्क, कोई सिंगल काम करता है। मशीन साइकिल जो है वो टी स्टेट से मिलके बनता है, क्लॉक साइकिल से मिलके बनता है। और इसी तरह इंस्ट्रक्शन साइकिल वो टाइम है जो माइक्रोप्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में लगता है। और मशीन इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो एक या एक से ज़्यादा मशीन साइकिल से मिलके बनता है, यानी टी स्टेट्स मिलकर बनाती हैं एक मशीन साइकिल और मशीन साइकिल्स मिलकर बनाते हैं एक इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब हम आते हैं 8085 की डिफरेंट मशीन साइकिल्स पे, यानी 8085 कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो इसमें है ऑपकोड फेच, मेमोरी को रीड करना, मेमोरी में राइट करना, इनपुट डिवाइस से रीड करना, आउटपुट डिवाइस पे राइट करना, इंटरप्ट को एक्नॉलेज करना, हॉल्ट कर देना प्रोग्राम को, होल्ड और रीसेट। इतनी 8085 के पास मशीन साइकिल्स हैं। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम कंट्रोल सिग्नल्स देखें तो पहला कंट्रोल सिग्नल है आईओ एम बार। ये सिग्नल हाई जाता है जब आईओ रिलेटेड ऑपरेशन होता है और ये सिग्नल लो जाता है जब मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होता है। इसलिए पहली तीन मशीन साइकिल्स में ये लो है और नीचे की तीन मशीन साइकिल्स में ये हाई है। फिर S0 और S1 स्टेटस लाइंस हैं। ये माइक्रोप्रोसेसर क्या काम कर रहा है उस हिसाब से उसका स्टेटस बताती हैं, उस हिसाब से ये चेंज होती हैं। जैसे ऑपकोड फेच और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, इन दो केसेस में इनकी वैल्यू 1-1 होती है। रीडिंग ऑपरेशन में इनकी वैल्यू 1-0 होती है, राइटिंग ऑपरेशन में इसकी वैल्यू 0-1 होती है और हॉल्ट के केस में इसकी वैल्यू 0-0 होती है। नेक्स्ट सिग्नल है रीड बार। रीड बार सिग्नल लो होता है जब माइक्रोप्रोसेसर कोई रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है और राइट बार सिग्नल लो होता है जब माइक्रोप्रोसेसर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लास्ट में है INTA बार, यानी इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ये सिग्नल लो तब होता है जब माइक्रोप्रोसेसर INTR इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है, अदरवाइज ये सिग्नल हाई रहता है। यहाँ पे Z हाई इम्पीडेंस के लिए लिया हुआ है और X यानी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि क्या वैल्यू आएगी। मोस्टली Z और X सिग्नल जो हैं वो होल्ड और रीसेट मशीन साइकिल्स में दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। अब हम फिर से आते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल पे, क्योंकि टाइमिंग डायग्राम जो है वो हर इंस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल है माइक्रोप्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में लगा टाइम। और एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में जैसा कि पहले बताया है एक या एक से ज़्यादा मशीन साइकिल्स होती हैं। हर इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑपकोड और एक होता है ऑपरेंड। कोई भी इंस्ट्रक्शन या तो एक बाइट का होता है, दो बाइट का होता है या तीन बाइट का होता है। हर इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट मशीन साइकिल जो होती है वो हमेशा ऑपकोड फेच होती है, यानी फर्स्ट मशीन साइकिल में ऑपकोड को माइक्रोप्रोसेसर रीड करता है और डीकोड करता है और उसके हिसाब से आगे के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। टाइमिंग डायग्राम क्या है? टाइमिंग डायग्राम बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर के टाइमिंग डिटेल्स बताता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए। और टाइमिंग डायग्राम जो है वो टी स्टेट्स और मशीन साइकिल के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक टी स्टेट का मतलब होता है एक क्लॉक पीरियड, और यहाँ पे क्लॉक दिखाई गई है जिसमें उसकी राइजिंग एज, फॉलिंग एज और एक क्लॉक का टाइम दिखाया गया है। अब टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए हमें किस किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है? टाइमिंग डायग्राम हमेशा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाता है जो कि मेमोरी की किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे लिखा रहता है। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है एक इंस्ट्रक्शन मूव AB जो 2000H मेमोरी लोकेशन पे लिखा हुआ है। मूव AB का ऑपकोड होता है 78H, यानी 78H लिखा हुआ है 2000 मेमोरी लोकेशन पे। तो अब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी? सबसे पहले हमें पता करना है
एड्रेस जिस पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो इस एग्जांपल में इंस्ट्रक्शन लिखा है 2000H पे, यानी हायर ऑर्डर एड्रेस हो गया 20H और लोअर ऑर्डर एड्रेस हो गया 00H। फिर ऑपकोड, इस पर्टिकुलर केस में ऑपकोड है 78H, यानी डेटा लाइंस के कंटेंट क्या होंगे 78H। फिर हमें पता करना होता है कि इस कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए कितनी मशीन साइकिल्स की ज़रूरत है और कितनी टी स्टेट्स रिक्वायर्ड हैं। इस एग्जांपल में एक मशीन साइकिल चाहिए और उसमें 4 टी स्टेट्स लगते हैं। अब मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, तो अब टाइमिंग डायग्राम बनाने कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टी स्टेट्स से कॉलम वाइज T1, T2, टी स्टेट्स मार्क कर लेते हैं। फिर हर टी स्टेट में एक क्लॉक साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं और मशीन साइकिल्स मेंशन कर देते हैं कितनी मशीन साइकिल्स लगेंगी। फिर हम हायर ऑर्डर एड्रेस बस बनाते हैं और उसमें उसके कंटेंट्स लिख देते हैं। इस एग्जांपल में हम लिख देंगे 20H। फिर हम ALE ड्रॉ करते हैं। ALE हमेशा हर मशीन साइकिल की पहली क्लॉक साइकिल के लिए हाई जाता है, तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए ALE को हाई कर देते हैं, बाकी टाइम के लिए इसको लो कर देते हैं। जो लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस है, यानी AD0 टू AD7, उस पर लोअर ऑर्डर एड्रेस आता है फर्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए जब ALE हाई होता है, और नेक्स्ट टू क्लॉक साइकिल्स के लिए उस पर डेटा आता है। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में उसमें हम मेंशन करेंगे 00H और डेटा, नेक्स्ट टू क्लॉक साइकिल में हम मेंशन करेंगे 78H। लास्ट में हमको IOM बार, रीड बार, राइट बार, S0 और S1 की वैल्यू एज पर हमारा जो टेबल हमने पहले बनाया हुआ है उसके हिसाब से हमको ड्रॉ करनी होती है। इस तरह हमारा कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम बन जाता है। अब हम स्टैंडर्ड मशीन साइकिल्स के टाइमिंग डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले ऑपकोड फेच लेंगे। ऑपकोड फेच में या तो 40 स्टेट्स लगती हैं या 60 स्टेट्स लगती हैं, और पहले डिस्कस कर लिया है कि हर इंस्ट्रक्शन साइकिल की जो पहली मशीन साइकिल होती है वो होती है ऑपकोड फेच। यहाँ हमने 40 स्टेट्स वाली ऑपकोड फेच बनाया है, तो 4 कॉलम्स ले लिए, उसमें T1, T2, T4 मार्क कर लिया, 4 क्लॉक्स बना ली। अब उसमें हायर ऑर्डर एड्रेस बस यानी A8 टू A15 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए आता है। लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस पे पहली क्लॉक में एड्रेस आएगा जब ALE हाई है, और नेक्स्ट 2 क्लॉक्स में डेटा आएगा जब ALE लो है। IOM बार ऑपकोड फेच में थ्रू आउट लो रहेगा, क्योंकि ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है, हम मेमोरी से ऑपकोड को फेच कर रहे हैं। S0 S1 की वैल्यू चारों क्लॉक साइकिल्स के लिए 1-1 रहेगी, और रीड बार सिग्नल 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए लो जाता है T2 और T3 जब हम एड्रेस डेटा लाइन पे डेटा रखते हैं, उस वक्त रीड बार लो जाता है। लास्ट क्लॉक साइकिल में मोस्टली सिग्नल स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि ऑपकोड फेच की लास्ट क्लॉक साइकिल कोड को डीकोड करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर इंटरनली यूज करता है। अब हम देखेंगे मेमोरी रीड और मेमोरी राइट टाइमिंग डायग्राम। मेमोरी रीड का टाइमिंग डायग्राम एग्जैक्टली ऑपकोड फेच जैसा है, डिफरेंस ये है कि वहाँ 4 टी स्टेट्स थी, यहाँ पे 3 टी स्टेट्स हैं, बाकी सब कुछ सेम है। हायर ऑर्डर एड्रेस बस 3 क्लॉक साइकिल के लिए एड्रेस है, लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस में 1 क्लॉक साइकिल के लिए एड्रेस है, 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए डेटा है, ALE फर्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए हाई गया है, IOM बार लो है। हाँ, यहाँ वहाँ पे S1 और S0 की वैल्यू 1-1 थी, यहाँ पे S1 1 है और S0 0 है। रीड बार फिर से यहाँ 2 क्लॉक साइकिल के लिए लो है। मेमोरी राइट देखेंगे तो वो मेमोरी रीड जैसा ही है, फ़र्क कहाँ है, सिर्फ राइट बार सिग्नल में रीड बार की जगह यहाँ राइट बार लो जाता है, क्योंकि डेटा माइक्रोप्रोसेसर राइट करता है, तो माइक्रोप्रोसेसर डेटा लाइंस पे डेटा देता है और राइट बार लो करता है। और मेमोरी रीड में माइक्रोप्रोसेसर रीड बार सिग्नल लो देता है और डेटा लाइन से डेटा को रीड करता है। स्टेटस लाइंस भी यहाँ पे 0 और 1 था मेमोरी रीड में, मेमोरी राइट में S0 1 है और S1 जो है वो 0 है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। IO रीड और IO राइट देखेंगे तो ये भी मेमोरी रीड और मेमोरी राइट जैसा ही है, फर्क यहाँ आएगा IOM बार सिग्नल में। IO रीड और IO राइट IO रिलेटेड ऑपरेशंस है, तो IOM बार इन दोनों केस में थ्रू आउट तीनों क्लॉक साइकिल्स के लिए हाई होता है।
और आयो रीड जो है बाकी पूरा मेमोरी रीड जैसा है, और आयो राइट जो है बाकी पूरा मेमोरी राइट जैसा है। यानी फर्क कहाँ है, सिर्फ आयो एम्बार सिग्नल में। अब क्विकली हम देखेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में टाइमिंग डायग्राम से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन किया है। टाइमिंग डायग्राम जो है माइक्रोप्रोसेसर के टाइमिंग डिटेल्स बताता है। टाइमिंग डायग्राम हमेशा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाता है, और एक इंस्ट्रक्शन में एक या एक से ज़्यादा मशीन साइकिल्स होती हैं, और हर मशीन साइकिल में एक से ज़्यादा टी स्टेट्स होती हैं। हर इंस्ट्रक्शन साइकिल की पहली मशीन साइकिल जो है वो ऑपकोड फेच होती है। टाइमिंग डायग्राम में एड्रेस लाइन, डेटा लाइन और कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स हम ड्रॉ करते हैं, जो है रीड बार, राइट बार, आईओ एम बार, एस जीरो, एस वन और एएलई। एएलई में क्या खास ध्यान रखने वाली बात है कि एएलई हर मशीन साइकिल की फर्स्ट क्लॉक साइकिल में हाई जाता है, और लास्ट में एएलई जब हाई जाता है तो एड्रेस डेटा बस पे एड्रेस होता है, अदरवाइज एड्रेस डेटा बस पे डेटा होता है। ये हमने देख लिया सारे स्पेसिफिक मशीन साइकिल्स के टाइमिंग डायग्राम को। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन के टाइमिंग डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। 8085 प्रोसेसर को अच्छी तरह समझने के लिए आप मेरे और वीडियोस भी देख सकते हैं, और पसंद आए तो और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल कॉन्सेप्ट टेक 2018 सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा होगा। इसे देखने के लिए आपका धन्यवाद।